वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पृथ्वी पर कब, कहां और कैसे होगा। तो हिंदू धर्म के अंदर भगवान विष्णु के आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, उन सभी अवतारों के बारे में जानकारी या माहिती उनके जन्म के पहले ही दी जा चुकी थी। जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो राम के जन्म से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। और भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म कहाँ पे होगा, किसके पुत्र के रूप में होगा और वो कौन से युद्ध लड़ेंगे, कौन से युद्ध का संचालन करेंगे और कैसे उनकी मृत्यु होगी, ये सभी बातें उनके जन्म से पहले ही हमारे शास्त्रों में लिखी जा चुकी थी। तो हमारे हिंदू धर्म का महत्व यही है, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। तो इसी तरह से भगवान विष्णु का कल्कि अवतार भी होगा, और कल्कि अवतार कब और कहां होगा उसी बारे में हम आपको बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे शास्त्र में दी गई है वो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर दी गई है। और जिस तरह से हमारे शास्त्र में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं वो अवतार होने के पूर्व ही जिस तरह से हमारे शास्त्र में माहिती दी जाती है, उसी तरह से कल्कि अवतार के बारे में भी श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में इसका श्लोक दिया गया है। और कल्कि अवतार होने के पूर्व ही भगवान कल्कि का मंदिर भी बना जा चुका है, और ये मंदिर आजकल नहीं बल्कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो भागवत पुराण के 12वें स्कंद में एक श्लोक है कि संबलग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्वः कल्कीयः प्रतो भविष्यति। इसका मतलब यह है कि संबल नामक ग्राम के अंदर, मतलब संबल नामक गांव में विष्णु यश नाम के पवित्र ब्राह्मण के घर पे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दिन और षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार धारण करेंगे। अभी आज के हमारे देश में आज भी ये शुक्ल पक्ष, जो श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है षष्ठी तिथि के दिन, उस दिन आज भी कल्कि जयंती मनाई जाती है। यानी सोचे कि कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। तो इसी तरह से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार ये होगा उसके बारे में हमारे शास्त्र में माहिती अभी तक दी जा चुकी है। तो अभी सवाल ये उठता है कि कल्कि अवतार होगा कब। तो विद्वानों के अनुसार कल्कि अवतार और शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जब कलयुग और सतयुग के बीच में जो संधि काल होगा, यानी कि जब कलयुग खत्म होने को आएगा और जब सतयुग का प्रारंभ होगा उसी समय भगवान कल्कि अपना यह अवतार धारण करेंगे। और कलयुग के अंदर जितने भी दुष्ट और पापी लोग हैं उन सभी का वो संहार करके सतयुग की फिर से स्थापना करेंगे। तो ये जो गांव है संबल ग्राम, जिसका शास्त्र में उल्लेख है, वो गांव सच में आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अंदर है, जिसका नाम संबल गांव है। और वहां पे आज भगवान कल्कि का मंदिर भी बनाया जा चुका है। और ये मंदिर अभी आजकल में नहीं बना है बल्कि ये मंदिर काफी प्राचीन है। तो इस मंदिर अपनी ये मंदिर जो है वो अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। और वहां पे भगवान शिव का एक कल्केश्वर रूप का मंदिर है और वहां पे भगवान शिव की मूछों वाली प्रतिमा है। तो उस मूछों वाली प्रतिमा के कारण भी ये मंदिर काफी प्रचलित है। और कल्कि अवतार का जो ये मंदिर है उसके अंदर भगवान कल्कि की जो मूर्ति बनाई गई है उसको आज तक मंदिर के पुजारी के अलावा किसी ने भी आज तक छुआ नहीं है। किसी को भी मंदिर की ये जो मूर्ति है उसको छूने की आज्ञा किसी को भी दी जा नहीं सकती। तो कल्कि अवतार के बारे में हमने आपको बताया, जो शास्त्र में इसका जो प्राविधान है शास्त्रों में वो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पहले से उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।